खबर बीकानेर से है जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। निगम सचिव पर कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर ने सचिव के अधिकार जो है वो फ्रिज कर दिए हैं। डीएलबी निदेशक को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट भेजी है। 16 मार्च तक हाईकोर्ट स्टे के चलते हंसा का ट्रांसफर नहीं हुआ। महापौर व पार्षदों ने धरना अब समाप्त किया है। महापौर और सचिव के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि बीकानेर में जो भी घटनाक्रम हुआ, मेयर और वहां की सचिव हंसा मीणा के बीच में, उसको लेकर अब कलेक्टर ने सचिव हंसा मीणा के अधिकारों को फ्रिज किया है और पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो डीएलबी के डायरेक्टर को, निदेशक को भिजवाई है। अब आपको बता दें, दोपहर में महापौर और सचिव के बीच कमरे में बैठने को लेकर एक तीखी बहस हुई थी। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में मेयर और वहां की सचिव के बीच में जो विवाद दोपहर में हुआ, उस विवाद के बाद में जो बीकानेर के कलेक्टर हैं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट डीएलबी को भेजी है। डीएलबी निदेशक को भिजवाई गई है और जो सचिव है हंसा मीणा, उनको लेकर उनके जो अधिकार है उनको फ्रिज यहां पर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में रवि विश्नोई हमारे बीकानेर ब्यूरो हेड फोनलाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे आखिर इस विवाद की वजह क्या थी, क्योंकि जैसे जो जानकारी मिल रही है वो ये थी, पट्टों को लेकर जो मामला था वो यहाँ पर चल रहा था, पिछले दिनों भी विवाद हुआ था दोनों के बीच में, और अब जो मामला था वो अब कमरे को लेकर सामने आया आज। बिल्कुल दीपक, महापौर सुशीला राजपुरोहित का अपने अधिकारियों के साथ विवाद नया नहीं है। पहले आयुक्त जो थे उनके साथ इनका लगातार विवाद चल रहा था और उस दरमियान यही सचिव यहाँ पर थी। आयुक्त और सचिव दोनों का तबादला राज्य सरकार ने कर दिया। उसके बाद में सचिव जो हंसा मीणा है, ये हाईकोर्ट से स्टे लेकर यहीं इसी जगह वापस पदस्थापित हो गई। तो पुरानी अदावत इन दोनों के बीच में चली आ रही थी और अब जब नए आयुक्त हैं, उन्होंने हंसा मीणा को एक नया कार्यालय आवंटित कर दिया और उप कार्यालय में सुबह सुबह महापौर जा पहुंची और वहां पर महापौर के साथ में अभद्रता हंसा मीणा ने की, जिसमें ऑडियो जो वायरल हुआ है, जो महापौर के द्वारा किया गया है, उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि एक अधिकारी इस तरह से शहर की प्रथम नागरिक के साथ व्यवहार कर रही है। तो इसके बाद में ये मामला काफी फूल पकड़ा और दोनों पार्षद जो हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों के जो पार्षद हैं वो जिला कलेक्टर तक जा पहुंचे। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद में हंसा मीणा को फिलहाल जो है जो भी उनके अधिकार में जो कार्य थे वो उनको रोक लगा दी गई है और दूसरे आयुक्त को, दूसरे सचिव को ये कार्य सौंप दिया गया है। हंसा मीणा का तबादला इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 16 मार्च तक हाईकोर्ट से स्टे लिए हुए है और ये जो समूचा मामला है फिलहाल तो एक बार थम गया है, परंतु जो महापौर और अधिकारियों के बीच आपसी अनबन है उससे कहीं ना कहीं आम जनता, निगम के कामकाज, ये तमाम जो है पिछले कई अरसे से, लंबे अरसे से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपक, रवि, अब जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर पूरे जो डीएलबी के निदेशक है उनको भी घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट भिजवाई गई है कलेक्टर की तरफ से? बिल्कुल, जो डीएलबी के निदेशक हैं वहां तक सूचना पहुंचाई गई है, उनसे मार्गदर्शन भी लिया गया है कि इस मामले में क्या किया जाए जब एक अधिकारी मेयर के साथ में इस तरह से अभद्रता करे और इस तरह से बातचीत सामने आए। परंतु चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर ही हंसा मीणा यहाँ पर वापस से पदस्थापित हुई है, तो कलेक्टर और जो आयुक्त है नगर निगम के, उन्होंने इनके पावर जो है, जो अधिकार हैं, उनमें कटौती कर दी है और सारा चार्ज जो है दूसरे आयुक्त को सौंप दिया है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर का ये पूरा का पूरा मामला है जहां पर जो सचिव है उनके अधिकारों पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है, उनके अधिकारों को फ्रिज किया गया है और डीएलबी को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट अब बनाकर भिजवाई गई है कलेक्टर की तरफ से और आगे के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है।